नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव परिणाम आए हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। 4 जून को चुनाव परिणाम आए जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला और 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास बनाया। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता बन गए हैं। सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी सब ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने भी मोदी को तीसरी बार शपथ लेने पर बधाई दे दी। लेकिन अगर किसी ने बधाई नहीं दी तो वो है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जो कि वैसे तो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके भीतर अपने विरोधियों के लिए नफरत इस कदर भरी हुई है कि वो राजनीतिक शिष्टाचार भी भूल गए हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो पार्टी या गठबंधन हारती है उसके नेता जीतने वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को बधाई न देता। और बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने ही देश में देख लीजिए। कल ओडिशा में जब भाजपा के मोहन मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो नवीन पटनायक, जो 24 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव हारे, वो भी मंच पर मौजूद थे और अतिथियों के साथ घुल मिल रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। ये है लोकतंत्र की सच्ची भावना, जिसमें हारा हुआ राजनेता भी अपने विरोधी को न सिर्फ बधाई देता है बल्कि विजयी पक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पूरी शालीनता के साथ शामिल भी होता है। सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी भले ही जीत का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ऐसा नहीं है। सच तो यही है कि ये कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार है। इतनी ज़्यादा मशक्कत के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 99 सीट जीत पाई है और इस करारी हार ने राहुल गांधी के अहंकार को और भी ठेस पहुँचाई है। ये वही राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती लोकसभा में गले मिलकर मोहब्बत की दुकान चलाने का ड्रामा कर रहे थे, और आज जब वास्तव में बधाई देने का वक्त आया तो राहुल गांधी मुंह छुपा रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को 2-3 लाख वोटों से हरा देती। राहुल को यह भ्रम हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को जो ज़्यादा सीटें मिली हैं 42-43, वो उनकी वजह से मिली है। ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकने का श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठकर ही कांग्रेस को 6 सीट मिली है और अहंकार ऐसा जैसे उन्होंने 60 सीटें जीत ली हैं। राहुल ने अगर ऐसे बयानबाजी जारी रखी तो उनके इस अहंकार का असर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्तों पर भी पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राहुल के साथ गठबंधन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मुस्लिम वोटों में बिखराव को रोकना चाहते थे। राहुल और अखिलेश दोनों की राजनीति की धुरी मुस्लिम तुष्टिकरण है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से मुसलमानों ने एक मुश्त इंडी अलायंस को उत्तर प्रदेश में वोट किया। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़े तो उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। रायबरेली और अमेठी में उनको जो जीत मिली है उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, ये राहुल को भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के अहंकार और लगातार मिल रही हार की हताशा ने उनमें इतनी कटुता भर दी है कि वो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के नेता शामिल हुए, लेकिन नहीं शामिल कोई हुआ तो वो थे राहुल गांधी, और न ही इंडी अलायंस का कोई बड़ा नेता इसमें शामिल हुआ। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और उनका भी चेहरा आप देख सकते थे। अगर आप देखते तो ऐसा लगता कि जैसे उन्हें कोई सजा दी गई हो, बिल्कुल बुझे हुए थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और बतौर LOP वो इस समारोह में शामिल हुए हैं। चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण
समारोह था और ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा उदास है, कोई व्यक्ति बिल्कुल उदास है और ज़बरदस्ती उसको उस सेरेमनी में लाया गया है। राहुल गांधी के अहंकार का एक और उदाहरण अभी देखने को मिला और वो था राहुल गांधी ने किस तरह से इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर मौसमी सिंह का अपमान किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी सिंह एक सवाल पूछ रही थी और राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आपको मैं एक टी शर्ट दे देता हूँ और उस पर भारतीय जनता पार्टी का बैज होगा। आप सोचिए, अगर रिपोर्टर कोई ऐसा सवाल करता है जो राहुल गांधी का पसंद नहीं, राहुल गांधी को पसंद नहीं आता है, तो वो सीधे उसकी निष्ठा, उसकी इंटेग्रिटी पे ही सवाल उठा देते। ऐसा ही कुछ हुआ था रवि सिसोदिया के साथ, जब रवि सिसोदिया ने भी एक ऐसा ही सवाल पूछा था तो राहुल गांधी ने उनको क्या कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि जब अपमान किया रवि सिसोदिया का, उसके बाद कहा कि इनकी तो हवा निकल गई। देखिए, ये राहुल गांधी की भाषा थी। तो राहुल गांधी का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है और पता नहीं इस अहंकार की वजह क्या है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की और जयराम रमेश की। जयराम रमेश जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, सबसे बड़े सलाहकार हैं आज की तारीख में, वो आजकल नरेंद्र मोदी को 1/3 PM कह रहे हैं, 1/3 प्रधानमंत्री। ये सिर्फ कांग्रेस की हार की कुंठा है। अगर 240 MP वाले प्रधानमंत्री को आप 1/3 PM कहेंगे तो कांग्रेस की 145 सीट लाकर UPA 1 के प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह को जयराम रमेश क्या कहेंगे। और UPA 2 में भी कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी, 206 सीटें आई थी, वो भी 240 से कम था। तो जयराम रमेश ये बार बार प्रधानमंत्री को 1/3, 1/3 प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उसके पीछे उनका सिर्फ उनकी एक ही मंशा है, प्रधानमंत्री का अपमान करना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस तरह से तो फिर वो मनमोहन सिंह का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह भी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास सिर्फ 145 MP थे और UPA 2 में कांग्रेस के पास सिर्फ 206 MP थे। आप सबको पता है G7 समिट इटली में हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जा रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ होंगे। अब इस G7 समिट को लेकर भी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास किया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि गिर रही है वहां जाकर के वो उसको उठाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और अहंकार देखिए, जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जो सबसे बढ़िया G7 का समिट हुआ था, जिसमें भारत का प्रभाव दिखा, वो 2007 में हुआ, जब मनमोहन सिंह और जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मर्केल, उनके बीच की समिट हुई। मतलब कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है कि भारत में जो कुछ भी हुआ है वो या तो नेहरू गांधी फैमिली ने किया है और जो बच गया वो कांग्रेस की सरकारों, बाद की सरकारों ने किया, दूसरे लोगों ने कुछ नहीं किया। जयराम रमेश ये दिखाना चाह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का प्रभाव कुछ और था, उनका ऑरा कुछ और था और वो उनकी तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। जयराम रमेश ये भूल रहे हैं कि मनमोहन सिंह दूर दूर तक नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने नहीं गए थे। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह अपने जीवन में कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन, सीधा चुनाव कभी नहीं जीत पाए। उन्होंने अपने जीवन में एक ही चुनाव लड़ा 1999 में साउथ दिल्ली से, जहां विजय कुमार मल्होत्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर नेता थे, उनका कद था भारतीय जनता पार्टी में, विजय कुमार मल्होत्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को साउथ दिल्ली से, जो एक पॉश इलाका माना जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मनमोहन सिंह को हराया था। मनमोहन सिंह अपने जीवन में कोई सीधा चुनाव नहीं जीत पाए। राज्यसभा के सदस्य वो जरूर रहे, लेकिन जो जन नेता होता है उसके लिए तो लोकसभा मायने रखता है। आपके पास पब्लिक सपोर्ट है कि नहीं है, ये लोकसभा चुनाव अगर आप जीतते हैं तभी साबित होता है। राज्यसभा तो बैकडोर से एंट्री मानी जाती है। तो मनमोहन सिंह जो जीवन में कभी भी एक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, आप उनकी तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, जिसने लगातार जितने चुनाव जीते वो सारे चुनाव जीते, जितने चुनाव लड़े वो सारे चुनाव जीते नरेंद्र मोदी ने। आप उनकी तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह के साथ, जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीत सके। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कुतर्क ये कांग्रेस और जयराम रमेश पेश कर रहे हैं। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कुतर्कों का सहारा लिया, झूठे वायदे किए, खटाखट खटाखट, आपने देखा होगा, आप सब लोग आकर के पैसे मांग रहे हैं कि वो खटाखट का जो वादा किया था वो ला करके पैसे हमें दो, लेकिन सब
लौट के जा रहे हैं। संविधान को लेकर भी राहुल गांधी ने और पूरे इंडिया अलायंस ने भ्रम फैलाया, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सारा झूठ बोलने के बाद भी कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आई? सिर्फ 99। और ये कांग्रेस के इतिहास का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन है। और राहुल गांधी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा है जैसे कांग्रेस को 2/3 बहुमत जीत गई है। सच्चाई तो यही है ना कि अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे और राहुल गांधी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। मतलब रस्सी पूरी जल गई, ऐंठन नहीं गया है, राहुल गांधी की यही स्थिति है। राहुल गांधी को अपने व्यवहार में सुधार लाने की सख्त ज़रूरत है, वरना प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।